इंदौर के बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने एक बेहद बेतुका बयान दिया है। इस बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस सामने सामने आ गए हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर बहस चल रही है। दरअसल चिंटू वर्मा ने नवरात्रि उत्सव के आयोजकों से कहा है कि वे लोगों को गरबा पंडालों के अंदर जाने से पहले उन्हें गौमूत्र पिलाएं। उन्होंने कहा कि आजकल आधार कार्ड फर्जी बन जाते हैं, ऐसे में गरबा पंडाल आने वालों को गौमूत्र पिलाया जाए। उसके इस बयान के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इस तरह के पहल से गरबा पंडालों में गैर हिंदू लोगों पर रोक लग सकेगी। बता दें कि इसके पहले पूर्व मंत्री और महू विधानसभा से भाजपा अध्यक्ष उषा ठाकुर भी गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के एंट्री को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता का मानना है कि अगर हिंदू पंडाल में घुसेंगे तो उन्हें गौमूत्र पीने से कोई आपत्ति नहीं होगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बयान दिया कि समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने आयोजकों से गुजारिश की है कि वे भक्तों को गरबा पंडालों में प्रवेश करने से पहले गौमूत्र से आचमन कराने की अनुमति दें। हालांकि चिंटू के इस बयान की कांग्रेस ने निंदा की है और इसे ध्रुवीकरण और नई रणनीति करार दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता गौशालाओं की दुर्दशा पर चुप हैं और केवल इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि गौमूत्र आचमन की मांग उठाना भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति करने की नई चाल है। उन्होंने भाजपा नेताओं से पंडालों में प्रवेश करने से पहले गौमूत्र पीने और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की गुजारिश की है। गैर हिंदू युवकों की एंट्री को लेकर विधायक उषा ठाकुर भी कह चुके हैं कि जब मुस्लिम समाज मूर्ति पूजा नहीं मानता है तो फिर समाज के युवक गरबा पंडालों में गरबे करने क्यों आते हैं। इंदौर में 10 स्थानों पर फ्री स्टाइल गरबा होते हैं और देखने वालों को भी गरबा करने की सुविधा होती है। इसमें मुस्लिम युवाओं के पहुंचने और उसे लेकर विवाद के मामले सामने आते रहते हैं।